हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इफ यू आर न्यू हीयर माई नेम इज़ अंतिमा दूबे आई मेक वीडियोज ऑन स्किन केयर हेयर केयर मेकअप फैशन एंड लाइफ स्टाइल सो आई बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो एंड टूडे आएम गोइंग टू रिव्यू अ स्किन केयर प्रोडक्ट विच इज अ कोजिक एसिड सेरम फ्रॉम डॉक्टर सेट्स येस गाइज तो जिस शर्म के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ इस शरम के बारे में ऑलरेडी मैं एक बार अपने चैनल पर बात कर चुकी हूँ सात या आठ महीने पहले आई थिंक सर्दियों में मैंने इसके बारे में बात की थी एंड उस टाइम मैंने डॉक्टर सेट्स की पूरी कोजिक एसिड रेंज को ही रिव्यू किया था एंड तब से लेकर अभी तक मैं इस सिरम को ऑन एंड ऑफ रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हुई आ रही हूँ और अब ये सिरम खत्म होने वाला है इससे पहले कि पूरा खत्म हो जाए और ये बात मेरे दिमाग से निकल जाए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दो क्योंकि अभी इसको यूज़ करते हुए मुझे इतना टाइम हो गया है तो मैं आराम से इसके बारे में डिटेल्ड जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ और हाँ ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर

तरह की पैकेजिंग है ग्लास बॉटल है प्लस इसमें आपको मिल जाता है से मैंने बहुत ही रफली यूज किया है जिसकी वजह से इसका कलर चला गया है मुझे लगता है कि हाथ में कोजिक एसिड सरम लगा रहा होगा और मैंने ऐसे बंद किया होगा तो जिसकी वजह से लाइट हो गया है सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग एंड इसके इनर पैकेजिंग दोनों के ऊपर मिल जाएगी लाइक स्किन

हमारी स्किन में डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन हाइपो पिगमेंटेशन या स्किन जो अनिवन हो जाती है वो इसी वजह से हो जाती है कि हमारा जो मिलेन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगता है जिससे यू you नो know, डार्क हो जाती है स्किन तो ये उसको कंट्रोल करेगा जिसकी वजह से आपकी स्किन में अगर डार्क स्पॉट है पिगमेंटेशन है बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है स्किन बहुत ज्यादा अन है एक्ने मार्क्स हैं मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्टिव एक्ने हैं बाद में जो मार्क्स बन जाते हैं जब एक्ने या पिंपल ठीक हो जाता है उसके बाद जो स्पॉट बन जाता है उसको ये फेड करने में हेल्प करेगा बट एक्टिव एक्ने पे इसको नहीं अप्लाई करना है ये गलती मत करना अगर पिगमेंटेशन है ठीक है, 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 है आपकी स्किन में डार्क स्पॉट वगैरह है तो उसको रिड्यूस करता है स्किन बहुत ज्यादा अनइवन दिखती है तो उसको ये रिड्यूस करता है प्लस आपकी स्किन में अगर सीबम प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको ये कंट्रोल करता है आपकी स्किन को इवन आउट करता है ग्लो प्रोवाइड करता है मतलब कि आपकी स्किन पे जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट हैं ये आपकी स्किन परस ब्राइटन अप करेंगे एंड आपकी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करेंगे स्किन को इवन बनाएंगे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन एंड ये सारी चीजें हैं तो उसको ये रिड्यूस करेंगे ठीक है तो आपको क्लियर हो गया है अब मैं बात कर लेती हूँ इसके कलर कंसिस्टेंसी एंड टेक्स्चर के बारे में तो इसका जो कलर है मैं आपको बता दूँ एक सेकेंड इसका जो कलर है थोड़ा सा येलोइश कलर है डार्क सा कलर होता है इसका आप देख सकते हैं ये इस तरह का कलर है ठीक है कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है थोड़ी ही देर में स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है आ, कुछ सेरम होते हैं जैसे कि स्टिकी होते हैं तो उसको लगाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट इसके साथ ऐसा नहीं है बहुत ही जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी स्टिकी ऑयली हैवी ऐसा कुछ आपको फील नहीं होगा ये आप देख सकते हैं ठीक है एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं बहुत सारे लोग हैं एक हफ्ते यूज़ करेंगे दस दिन यूज़ करेंगे फिर आके मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि हमें तो इतना यूज़ करता करते हुए हो गया एंड बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि जब मैंने डॉक्टर सच्च की कोजिक एसिड क्रीम का रिव्यू किया था उसके नीचे दो कॉमेंट एक दो कॉमेंट मुझे ऐसे मिले थे कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता आप झूठ बोल रहे हो देखो मुझे झूठ या सच बोलने में क्या ही होगा अभी ये वीडियो जो है ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फिर भी मैं झूठ क्यों बोलूंगी ठीक है एंड आप क्या करते हो कंसिस्टेंसी से यूज नहीं करते हो किसी प्रोडक्ट को या हो सकता है कि आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है उसका कॉज कुछ और है मतलब समझ रहे हो सकता है कि आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई की है आपकी स्किन में सनबर्न ज्यादा है आप ऐसे ही यूज कर रहे हो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं तो आपको वो सारी चीजों पर काम करना है देन ये प्रोडक्ट काम करेंगे रीजन कुछ और होगा आप सिर्फ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे काम नहीं करेगा एंड देन आप आके मुझे कॉमेंट बॉक्स में ऐसे बोलेंगे ठीक है रेगुलर यूज करना है पंद्रह से बीस दिन आप यूज़ करेंगे आपको अपनी स्किन में फर्क जरूर नजर आएगा आप मेरी स्किन देख सकते हैं मेरे क्या हुआ है कि जो मेरी स्किन में पिगमेंटेशन थे वो फेड हो गए थे लेकिन जो डार्क स्पॉट कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा थे बिल्कुल तिल की तरह हो गए थे वो अभी कम हो रहे हैं फेड हो रहे हैं लेकिन उसको टाइम लगेगा मुझे पता है कि तीन या चार महीने और लगेगा क्योंकि मैं अभी अच्छे से काम कर रही हूँ सो मेरी स्किन में मुझे डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस श्रम के बारे में फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी और अगर आपको इसे ट्राई करना है तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आप सर्च करके भी इसको परचेस कर सकते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर